अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहें, खुश और बात रहें और हमारे साथ साथ रहें। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ, इनफैक्ट अपने बर्थडे व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। बर्थडे की सेलिब्रेशन नहीं, सेलिब्रेशन हुई सारी आपके साथ शेयर करूँगी। एक बात क्लियर करती चलूँ कि बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ चेंज हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही सेलिब्रेशन नहीं करते रहे। बहुत सिंपल तरीके से घर में जो है व्हाट्सएप पे ही सारी सेलिब्रेशन हुआ करती थी, लेकिन अब चूँकि आपके साथ सेलिब्रेट करना होता है तो दिल करता है थोड़ा बहुत एहतमाम कर लिया जाए। कि ज़िंदगी हमेशा से ऐसे नहीं चली, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए, बहुत सारी किसी के लिए भी आसान नहीं होती है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मुश्किल को फेस करके ही आगे बढ़ते हैं। हमेशा से ऐसी सेलिब्रेशन नहीं होती रहीं और मैं खुद भी ये फील करती हूँ कि जितने केक मैंने इन 4 मंथ्स में खा लिए, मेरा ख्याल पूरे साल में नहीं खाए जाते थे। लेकिन ये कि कुछ चीज़ें जो है आपके साथ शेयर करने के लिए भी प्रॉपर इस्तेमाल किया जाता है, तो वो चलें जब कुछ हो जाता है तो मैं हमेशा से कहती हूँ वो अल्लाह के हुक्म से हो जाता है, तो वो हमारे मुकद्दर का हिस्सा होता है, वो हमें मिल जाता है और उसके सबब उसके रास्ते अल्लाह पाक खुद ही बनाते चले जाते हैं। तो आपके साथ अच्छा वक्त जो है गुजर जाता है, अच्छी यादें आपके साथ जो है वो शेयर कर ली जाती हैं। और इसके साथ एक अच्छी बात और कहूँगी कि सब्र और पेशेंस को अपनी ज़िंदगी का जो है वो हिस्सा बना लें। इस्लाम हमें अखलाकियात का दर्स भी देता है और जब हम किसी के घर जाते हैं या किसी को कॉल करते हैं तो हम बेसब्रे हो जाते हैं, हम फ़ोन पे फ़ोन किए जाते हैं, दरवाज़ा नोक किए जाते हैं कि जब हम आ गए तो दरवाज़ा खोल दें, जबकि इस्लाम तो ये कहता है कि 3 दफ़ा दरवाज़ा खटखटाएं, अगर नहीं कोई खोलता तो वापस चले जाएँ। हमें इसमें अपनी इंसल्ट फील होती है कि जी क्यों वापस जाएँ, हमारे लिए दरवाज़ा नहीं खोला गया। लेकिन ये कि अच्छा गुमान रखें, अंदर वाला नमाज पढ़ रहा हो सकता है, अंदर वाला आराम कर रहा हो सकता है, तो उसके लिए जो है अपने दिल में वसत और फराखी पैदा करें और ये छोटी छोटी बातों पे नाराज़गी करना जो है इसे छोड़ दीजिए। और एक और खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह 2K सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट हो गए। ये सब आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की मेहनत है जो मेरे साथ साथ चल रही है। आप मेरे व्लॉग्स को भरपूर प्यार और भरपूर साथ देते हैं, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया और ढेरों दुआएं आप सबके लिए। मेरी तबीयत ख़राब रही उसके लिए भी आप सबकी बहुत सारी बेस्ट विशेज आईं, बहुत सारी दुआएं आईं, उनके लिए भी बहुत सारा शुक्रिया। अल्लाह पाक सब दुआएँ पहले आपके अपने हक़ में फिर मेरे हक़ में कबूल और मंजूर फरमाए। और जो सेलिब्रेशंस हुई वो आपके साथ शेयर करूंगी और उसके अलावा जो थोड़ा बहुत इसके अलावा मामला चले वो आपको फिर अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। ठीक है, चले आए मेरे साथ एंजॉय करें जी। सबसे पहले लुइज़ा स्मारा बर्थडे ब्रिंगिंग मेरे लिए सरप्राइज़ ले गई, और यो शेक और बहुत ही मज़े की कैरमल चॉकलेट और ये बहुत ही मज़े का केक लेयर्स वाला बच्चों ने खुद बेक किया और ख़ुद इसको डेकोरेट किया, तो बहुत ही यमी केक था। घर में अपनी मम्मा को केक कटवा के तो फिर इधर आई मेरी और अफशी की बर्थडे में। एक दिन का गैप होता है, 16 अफशी की, 15 मेरी, 3 साल का गैप भी है साथ। लेकिन ये कि लास्ट ईयर हमने इकट्ठे बर्थडे सेलिब्रेट की थी, इस दफ़ा बस कोई सिलसिला नहीं बन सका। मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड जो है वो 2K की सेलिब्रेशन के साथ बर्थडे केक बनवा के मेरे लिए लेके आई। जी बर्थडे के साथ साथ हमने 2K को भी सेलिब्रेट किया। 2K मैंने पहले भी बताया कि 2 दफ़ा 2K हो के वापस ड्रॉप हो जाते हैं, अब देखें कब तक ये सिलसिला चलता है, लेकिन हमने 2K को सेलिब्रेट कर लिया है। और उसके साथ बहुत ही मज़ेदार यम्मी पिज़्ज़ा गर्मा गर्म जो है वो भी आया, वो भी हम सब ने खूब इंजॉय किया, बहुत मज़े मज़े की बातें की, पिछली बर्थडेज़ को याद किया और इस बर्थडे को इंजॉय किया। फिर तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने केक उस वक्त में नहीं खाया, बस पिज़्ज़ा खाया, फिर बाद में मैंने चाय के साथ अपना केक इंजॉय किया। और मैं हमेशा से बताती हूँ कि मेरी बर्थडे जो है वो व्हाट्सएप पे सेलिब्रेट हुआ करती थी, इस तरह से इस दफ़ा व्हाट्सएप पे उतना टाइम नहीं दे सकी, लेकिन फिर भी आप सबके प्यार का, आप सबकी मोहब्बतों का, आप सबके खलूस का, आप सबकी दुआओं का बे इंतहा शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको बहुत नवाजे जी। मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कलीग्स, कजन्स, बच्चों के फ्रेंड्स सब ने बहुत सारी विशेज़ भेजी, सबका शुक्रिया।
जी, फिर फाइनल 15 अगस्त आ गया और बच्चे बस ज़िद थे कि हमें ट्रीट दी जाए, तो मैंने बहुत टाला कि भाई खा पी भी चुके हैं, सेलिब्रेट भी कर चुके हैं, इंजॉय भी किया है, लेकिन चूंकि उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट्स खरीदे हुए थे तो वो बस ज़िद थे कि हमें साथ में ट्रीट भी दी जाए। और मैंने कहा चलें क्या खाना है, तो बोले चिकन पैटीज और चॉकलेट पेस्ट्रीज मंगवा लें। कुछ तबीयत मेरी बेहतर थी तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक साथ मैं भी इंजॉय कर लूँगी। आपकी ज़िंदगी का हासिल आपके पास यही मोहब्बतें और यही खलूस होता है जो आपके साथ रहता है, आपको आगे बढ़ने की हिम्मत और हौसला देता है, और इनके छोटे छोटे जेस्चर्स जो हैं वो दिल खुश कर देते हैं और अपनी सारी परेशानी सारी बीमारी भूल के जो है फिर से मेहनत करने को दिल करता है। बच्चों की इस हौसला अफजाई के साथ साथ मैं आप लोगों के प्यार और खलूस को बिल्कुल भी फरामोश नहीं कर सकती। आप लोग मेरा साथ ना देते तो कभी भी यहाँ तक ना पहुँचते। जी, ट्रेंड को फॉलो करना तो बनता है, तो चलें आपको गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। पैक तो थे ही नहीं, लेकिन ये कि आपको दिखाती हूँ कि मुझे गिफ्ट्स मिले क्या क्या है। जी, सबसे पहले तो ये हैंड क्लच, मुझे शोल्डर बैग की निस्बत हैंड क्लच यूज करना जो है वो अच्छा लगता है, और मेरे पास बहुत सारे हैंड क्लच हैं मैचिंग अपने अबायास के साथ। तो ये वाइट कलर का है, इसमें ब्लू स्टार्स लगे हुए हैं, लाइट में उस तरह कलर्स नहीं आ रहे इसके, लेकिन बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। फिर ये जी लिपस्टिक्स भी, मेरी वीकनेस है बहुत ज़्यादा, मैं लिपस्टिक डार्क कलर्स की यूज़ करती हूँ, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया तो जानती हैं। तो ये जी, ये डार्क रेड कलर हैं, तीन डिफरेंट शेड्स हैं और दो पिंक कलर के हैं, बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा एक डार्क एक थोड़ा सा लाइट है, लेकिन सारे मेरी पसंद के शेड्स हैं, आपको भी अच्छे लगेंगे, बताइएगा कैसे लगे। और अपनी पसंद से मैं जाके लेके आई हूँ। ये है इसकी शर्ट, और ये डायमंड स्टाइल में जो दुपट्टे लॉन के सूटों के साथ आए हैं वो है, और थ्री पीस सूट है, बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद है। ये पेंसिल के बगैर मैं लिपस्टिक यूज़ ही नहीं करती हूँ, तो मेरी लिप पेंसिल ख़त्म हो गई थी, तो बच्चों को पता होता है ना कि घर में कौन कौन सी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, तो मुझना उस दिन बाजार अपनी चीज़ें लेने गई तो मेरे लिए ये लिप पेंसिल लेके आई। बहुत प्यारा कलर है मैरून कलर में, मैं काफ़ी देर से पर्पल लाइट पर्पल यूज़ कर रही थी, तो लेकिन ये कि ये भी बहुत अच्छा है, अब ये यूज़ करूँगी। और स्टॉलर, ये तो जितने भी हों उतने कम हैं, और बहुत प्यारा कलर है, बहुत प्यारा इसका बॉर्डर है, फ्रोजी और क्रीम कलर का कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये थे मेरे गिफ्ट्स जी। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, लाइक के बटन को प्रेस जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। और मेरे साथ साथ रहिएगा हमेशा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके लिए मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब अच्छा रिस्पांस मिलता है, बहुत अच्छे अच्छे साथी मिले यूट्यूब से, उन सब के लिए भी ढेरों दिल से दुआएं, और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।